किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हों, चाहे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पिछले वर्ष के 4 वर्ष के पेपर को सॉल्व करके उन्हें रखें। इससे क्या होगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आखिरकार पेपर में नेक्स्ट जो आपका अपकमिंग पेपर है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पेपर में किस प्रकार से चेंजेज होते हैं, कि मतलब किस ईयर में हार्ड पेपर आता है और किस ईयर में इजी पेपर आया है ना। तो इसके माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत से आपका जो आपने जो तैयारी कर रखी है उससे आपको अंदाज़ा मिलता है, उससे आपको अनुभव मिलता है कि आखिरकार हमें स्टडी किस प्रकार की करनी चाहिए। तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए पहले इतिहास जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं के वन वर्ड वाले, एक वर्ग के एक शब्द वाले क्वेश्चन देखेंगे 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि 2020, 2019, 2018, 2017 के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पिछले वीडियोस में हमने डाल रखा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि बताया जा रहा है कि 2021 में जो होगा ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो ये इन क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आपके इसी में से बना के देगा, चूँकि आपकी स्टडी अच्छी तरीके से हुई नहीं है, तो इस वजह से लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चंस उठा के देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और फर्स्ट क्वेश्चन से अपन देखते हैं, स्लाइटली अच्छे से देखते हैं, पूरा क्लियरली समझते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, सो पहला क्वेश्चन है ये, कि जो कि 2020 का है, 2020 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है। तो लास्ट ईयर वाले, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये एक वाक्य में उत्तर लिखना, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये बहुत इजी, 7 होता है, ठीक है, 7। थर्ड वन है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखना, तो ये कौन सा होगा, अव्ययी अश्वसन, ठीक है, अव्ययी अश्वसन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। क्लियर, ओके, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, अगला है, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। रेफ्रिजरेटर जिसे कि शीतलन बोलते हैं, तथा अग्निशमन में, इन दोनों में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। इन दोनों में जो यूज होता है उस कार्बन का नाम लिखना है, तो क्या होगा, क्लोर प्लेटो कार्बन। क्लियर, नेक्स्ट है, ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये 20 में भी पूछा, देख लो 19 में भी पूछ लिया, ठीक है, तो इसे याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो, 7। नेक्स्ट है, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो क्या आ जाएगा, ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट वन, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये जानते हो, घेंघा रोग होता है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। दो जीवाश्म ईंधनों का नाम क्या हो सकता है, एक हो सकता है जीवाश्म ईंधन, एक पत्थर, जीवाश्म बना जीव धन जीव प्लस आश्म बन के जीवाश्म पत्थर, तो हो जाएगा पहला कोयला, दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। लास्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र लिखा था, 1 upon f = 1 upon u plus 1 upon v, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में बढ़े, ये 2018, ये इंग्लिश मीडियम है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर का है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, तो ब्यूटेन। लाल ग्रह का नाम लिखिए, तो लाल ग्रह का नाम है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है। मनुष्य में रक्त की कमी होने से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, कौन सा रोग, एनीमिया। ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल, ध्वनि की इकाई डेसिबल, याद रखना, ठीक है,
यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो सरदार जी एजुकेशनल या तो फिर क्लासेस बाय पदम सर। अब आते हैं 2017 के क्वेश्चन से, ये लास्ट वाला है। एक उभयलिंगी जीव का नाम तो केचुआ, उभयलिंगी जीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या है। क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या है, जीन्स का वहन करने वाले वे व्यक्तिक जीव द्रव इकाइयाँ जो उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करती है तथा अपनी आकार की कार्य की तथा व्यक्तित्व की को बनाए रखती है, गुणसूत्र कहलाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके, अगला क्वेश्चन है आंवले के फल में किस विटामिन की मात्रा अधिकता में पाई जाती है। आंवले के फल में किस विटामिन, आंवले में किस कौन से विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी, ठीक है, इसकी अधिकता होती है। कार्बन की संयोजकता लिखिए, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, चार, कार्बन की संयोजकता चार। अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिनसे धातु निष्कर्षण सुलभ लाभदायक तथा सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। धातु निष्कर्षण कैसे होते हैं, सुलभ लाभदायक और सुविधाजनक, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला क्वेश्चन पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन ये एक योगात्मक श्रेणी का संश्लेषित बहुलक है, जिसकी एकलक इकाई एथिलीन होती है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है, 20 नंबर वाले 22 क्वेश्चन इसमें वन वर्ड वाले देखें, और अदर जैसे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी, इनका भी सीरीज के साथ अपन आपके लिए लाएंगे लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन की पेपर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, आंसर सहित आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाकर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स तक शेयर जरूर करना, अपने स्कूल वाले ग्रुप में शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।